क्या कहलाता है भैया, ये रिश्ता प्यार का कहलाता है, वी आर कन्विंस्ड, क्योंकि अरमान और अबीरा का ये प्यार ही तो है कि घूम फिर के ये दोनों एक दूसरे की लाइफ में एंट्री मार ही लेते हैं। अब अबीरा को एंट्री मिल गई है ना अरमान के घर में फिर से। आप कमजोर एक लड़की की इज्जत से बड़ा मेरे सकता है बैचलर्स पार्टी में जो हुआ अब उसका खुलासा होगा घर की पार्टी में। जी हाँ, अबीरा की जो हालत थी वो तो हम सब ने देखी। अब अरमान अबीरा को उसी हालत में घर लेकर आया है। अब चूंकि जब उसे की सच का पता चल गया है कि अबीरा के साथ ऐसी ओछी हरकत करने वाला कोई और नहीं बल्कि फूफा सा है, तो इतना गुस्सा आना तो लाजमी है। अरमान डायलॉग में भी बोलता है कि वो किसी भी लड़की के साथ इतनी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो तो अबीरा के साथ में हुई थी, तो वो उसका जो गुस्सा है वो सातवें आसमान पर है, जहाँ पर वो भूल गया है कि वो परिवार में है, घर पे सब लोगों के सामने है, और वो बुरी तरह से बरस पड़ता है फूफासा के ऊपर, कॉलर वॉलर पकड़ लेता है। अब अरमान को जब फूफासा का सच पता चला तो उसे इतना गुस्सा आया कि उसने फूफासा का कॉलर पकड़ लिया। लेकिन फूफासा तो फूफासा है, वो अबीरा से इस कदर नफरत करते हैं कि उन्होंने ऐसी ओछी हरकत कर दी। अब जब घर में सबके सामने ये बात आई तो अरमान ने कहा फूफासा को कि आपको माफी मांगनी है अबीरा से, लेकिन फूफासा पर इस बात का कोई असर ही नहीं हुआ। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अभी तो सिर्फ मेरी जुबान बोली है फूफासा, अबीरा की हालत देख के सबको ही बुरा लग रहा है, रूही को भी बुरा लग रहा है, एंड कुछ ऐसा किया है फूफासा ने कि यू नो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, नॉट इवन दादी। एंड अब देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है, बट अभी के लिए आई फील वी ऑल आर फीलिंग बैड फॉर अबीरा। हमेशा की तरह इस फंक्शन में भी वही हुआ, हमारा मतलब है ड्रामा। अब अबीरा के साथ बहुत गलत हुआ, और देखिए कैसे मनीष अपने साथ ले जा रहे हैं अबीरा को। इतने बड़े हादसे के साथ क्या अब सब कुछ नॉर्मल हो सकता है? क्या अबीरा को लेकर इस सबके दिल में अब सिंपति आएगी, या फिर जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा, इस शादी ब्याह का तामझाम शुरू होगा? मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।